स्थानीय सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने जिस बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। बच्चा खुद सांस लेने की स्थिति में आ गया है, जिसका हालचाल पूछने सिविल सर्जन डॉक्टर आरएल बसाना अपनी पूरी टीम के साथ सिविल अस्पताल के ट्रोमा बार में पहुंचे। गौर रहे कि कोट सदीक निवासी बुद्धिलाल के 9 वर्षीय बेटे सुरेंद्र को सांप ने डस लिया था। निजी अस्पताल में उपचार के बाद जब बच्चे को सिविल अस्पताल में लाया गया तो इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद नर्स ने बच्चे को देखा तो बच्चा जीवित था। वहीं अब बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। बच्चा कल आया सी जड़े 1 बजे दोपहर में, सुरेंद्र नाम का बच्चा अंकुर हॉस्पिटल से रेफर होके आया सी। तो बच्चा बहुत सीरियस से, तो वो बच्चे जो एमरजेंसी वाले डॉक्टर ने देखे, उन्होंने लगा भी बच्चा जितना है नहीं, पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने कन्फर्म करने वास्ते जो बच्चे ने बाहर डॉक्टर ने बुलाया, नाल ही मेडिकल स्पेशलिस्ट ने बुलाया, उन्होंने देख के तो बच्चे सीरियस भाव के पाए, बच्चे दाखिल कर लिया, उनका इलाज शुरू कर दिता है। तो वो बच्चा हूँ मतलब पहले नालों बेहतर है, वेंटीलेटर पर है, बच्चा है सीरियस है पर पहले नालों बेहतर है।